हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनके जैसे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्प में पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर पे ही वस्तु रखी जा रही है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन जाएगा, फिर वो अनंत पर बन जाएगा क्योंकि फोकस दूरी पर वस्तु रखी है तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, थ्योरी क्वेश्चन है इसका। अब एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है आभासी प्रतिबिंब बनता, ठीक है। एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। तो हम इसकी जो है फोकस दूरी बतानी है पहले, तो ठीक है पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे, उससे फिर हम क्या निकाल लेंगे, वक्ता त्रिज्या, जो कि क्या होती है। तो चलिए करते हैं आप इसको। देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है तो यू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गया, और आभासी प्रतिबिंब है तो वी बराबर प्लस के 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें दर्पण का फॉर्मूला लगाना है। दर्पण का सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f बराबर 1/20, ये प्लस का हो गया यहाँ, माइनस 1/ माइनस के 10 लिखते, इस प्लस को हमने माइनस में बदल दिया इस माइनस की वजह से। अब 1/f बराबर प्लस, ये इन दोनों का एलसीएम लिया, 20 + 20 और 1 + 1 आ गया यहाँ से, 10 × 20 2 आ गया। अब 2 में से जब 1 घटाया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस का 1/20। अब क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी फोकस दूरी क्या आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर आ गई। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या सी होती है, माइनस की होती है। तो अब इसकी हमें बतानी थी क्या, वक्ता त्रिज्या r। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर 2 × f बराबर हो जाएगा फिर कितना, 2 × f, तो 2 20 की गुणा कर देंगे, 2 × −20 बराबर में कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर माइनस के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें हमें जो u दिया हुआ है, वस्तु की जो दूरी है वो माइनस के 20 सेंटीमीटर है, ये लेंस है उत्तल, तो इसके फोकस दूरी प्लस में होगी 40 सेंटीमीटर जो कि हमें दी हुई है। इसमें वस्तु की जो साइज दिया हुआ है, वो वस्तु का साइज हम h मानते हैं, h बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें v निकालना है, ठीक है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो हम इसमें लेंस सूत्र लगाते हैं जो कि क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें 1/f आपने जो कहते हो रखा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लेके आगे, 1/u को इधर लेके आगे, ये क्या हो गया, 1/u बराबर में कौन बचता है, 1/v। अब इसमें वैल्यूज पुट किया आपने, इसमें सबके f और u की वैल्यू रखते हैं, तो f की वैल्यू आई इसके अंदर 1/40 प्लस 1 − 20 बराबर में 1/v हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 40 और 20, ये माइनस वहाँ चला जाएगा और ये 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के ये 20 × 2 बार हो जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बनेगा ये हो जाएगा 1 − 40, ठीक है, और यहाँ से बराबर 1/v। अब अगर v की वैल्यू बताई जाए तो वो कितनी आ जाएगी, 40 − 40 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में, वो लेंस के बाईं ओर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह यही दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, जो बाईं तरफ ही बन रहा है, ठीक है, उत्तल लेंस में बाईं तरफ जिधर वस्तु रखी हुई है। देखिए इसमें इसके बाद पूछा हुआ था कि आप प्रतिबिंब की स्थिति हमने बता दी है प्रकृति, अब प्रकृति बतानी है और आकार बता।
तो जो इसमें प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हमारी आभासी हो जाएगी। अब आकार बताना है, आकार बताने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आवर्धन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, एम एम बराबर होता है माइनस के वी अपॉन यू, किसके लिए, ये दर्पणों के लिए है, लेंस के लिए यहाँ पे प्लस लग जाता है, बराबर एच डैश अपॉन एच, ये एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच है वस्तु की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, वी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस के 40 और यू की वैल्यू है माइनस के 20, बराबर में एच डैश आपको बताना है और एच की वैल्यू है 5। ठीक है, बराबर में 20 से ये कट गया, माइनस से माइनस कटा तो ये 2 हो गया, बराबर एच डैश अपॉन 5, ये इसके पास गया, यहाँ पे गुणा में चला गया, 10 सेंटीमीटर की जो है आपकी एच डैश लग गई। ठीक है, एच डैश आपका कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर आपका एच डैश निकल के आ गया, यानी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बनेगा। अब देखो आवर्धन और एच डैश हमारा वैसे भी प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो कैसा होगा, आभासी। ठीक है, तो इसमें प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी, आभासी प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा ये। ठीक है, और इसकी जो किरण आरेख बचा अब वो बताना है, तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, किरण आरेख कैसे खींचना है आपको, किरण आरेख हम कैसे खींचेंगे, वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है और एक प्रकाश किरण ध्रुव से होकर जाती है जो ध्रुव से ही होकर निकल जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र भी से हम बोलते हैं, तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और ये दोनों रेखाएं इधर की तरफ तो कहीं पर कट नहीं करने की, तो जब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर कट करती हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है बड़ा आभासी और सीधा बनता है, तो ये इसका किरण आरेख हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, इसमें हर एक चीज का एक एक नंबर दिया गया था। ठीक है, स्थिति प्रकृति आकार और किरण आरेख सबका एक एक नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका, देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी प्रकृति साइज दोनों चीज पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ये ना दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, इसका मतलब हमारे से यही पूछा गया है कि हमें वी, जो हमारा वी है वो कहाँ पे बनेगा, जहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे हम उस पर्दे को रख देंगे। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले हम वी निकालते हैं, ये अवतल दर्पण का सवाल है तो इसमें दर्पण वाला फॉर्मूले से इसको करते हैं, तो देखिए ये कैसे हो, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे एफ, एफ बराबर दिया हुआ होगा कुछ, यू बराबर दिया हुआ है और एच बराबर भी इसमें दिया हुआ है, तीनों लिख लेते हैं इसमें से, तो एच बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू यू बराबर माइनस के 27 सेंटीमीटर हो जाएगा और एफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस के 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अवतल का लेंस का अवतल दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, अवतल दर्पण में यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वन अपॉन बी, तो हम ना क्या करेंगे कि वन अपॉन बी को तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये लिख दिया वन अपॉन बी, और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू हो जाएगा। अब वन अपॉन बी बराबर वन अपॉन एफ, एफ की वैल्यू रखी माइनस के 18, फिर ऐसे ही इसकी वैल्यू रख दी वन अपॉन यू, यू की वैल्यू रखी माइनस के 27। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ऐसे ही हम 18 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, तो 18 और 27 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो क्या आया, 54। ठीक है, तो 18 और 27 का एलसीएम लेने के बाद ये क्या किया, 18 से इसमें डिवाइड किया, 18 तिया 54 तो माइनस के 3 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पे 2 आ गया,
अब वन अपॉन बी बराबर, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से 2 जाके माइनस का 1/54, तो यहाँ पे 1/b माइनस के 1/54 आ गया। तो अगर हम b लिखना चाहें तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो -54 सेंटीमीटर का मतलब है कि हमें जो प्रतिबिंब है या फिर पर्दा है वो कहाँ पर रखना पड़ेगा, पर्दा हमें 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा अवतल दर्पण के सामने ही। ठीक है, अब इसमें हमारे से पूछा गया था कि इसमें क्या बताइए आप, प्रतिबिंब का साइज बताइए। तो प्रतिबिंब का साइज कैसे निकाल लेंगे, प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे m m बराबर, इसमें जो आवर्धन है इसके लिए क्या होता है, माइनस के v अपॉन u होता है, बराबर में क्या होता है, h डैश अपॉन h। तो यहाँ पे लिखा बरा, ये निकाल यहाँ पे ना माइनस के v की वैल्यू, माइनस का v, तो माइनस और माइनस का 54 और बटे में क्या आया 27 माइनस का, ठीक है, बराबर h डैश पता नहीं h कितना है 7 जो कि दिया हुआ है, बराबर माइनस से माइनस कट गया लेकिन 27 दूनी जब 54 किया तो माइनस के 2 आया, बराबर में एच डैश अपॉन 7। अब 7 यहाँ पे भेज जाए तो -14 बराबर एच डैश, ठीक है, तो एच डैश कितना आ रहा है, -14, ठीक है ना। तो एच बराबर एच डैश जो होगा, मतलब अगर हम बताएं प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ये माइनस का चिन्ह हमें क्या दिखा रहा है, ये माइनस का चिन्ह हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वो उल्टा सा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो ये अवतल लेंस का क्वेश्चन है। तो लेंस के लिए क्या क्या दिया हुआ है, एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दी हुई है और किसी बिंब का प्रतिबिंब, ठीक है, बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब चित्र कहाँ पे बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वी बराबर यहाँ इसमें जो अवतल, क्योंकि अवतल लेंस है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो जो वी होगा यहाँ पे कैसा होगा, वो माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि जो लेंस में जो अवतल लेंस है ना उसमें प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें बस यही ध्यान देने वाली बात है कि इसमें वी जो है माइनस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या बताना है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो यू निकालना है हमें, यू अज्ञात है। तो यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b -1/u। अब यू को इधर लेके चले जाएंगे और एफ को इधर ले जाएंगे, तो 1/u बराबर 1/b -1/f हो जाएगा। अब 1/b यानी कि -10 और -1/-15, उसके बाद बराबर 10 और 15 का एलसीएम लिया तो आया 30, ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये 10 या 30 और यहाँ पे माइनस के 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 जाके -1 बचेगा तो u जो होगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/-k, ये 30 हो जाएगा और u बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आभासी, ठीक है, और ये यू जो यू है वो -30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के सामने ही 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी वस्तु रखी हुई होगी। अब इसका जो चित्र है, जो किरण आरेख है, वो कैसे खींचेंगे हम, वो कि जिस प्रकार से हम इसका किरण आरेख खींचेंगे, देखिए इसका ये किरण आरेख हो जाएगा। इसमें क्या है कि अवतल लेंस लिया हुआ है, इसमें कहाँ पे वस्तु रखी हुई थी, वो आपकी 2f से यानी f थोड़ा परे रखी हुई थी। अब वस्तु को यहाँ पे रखा था, रखने के बाद ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखा रहा है ना, तो 2f पे ही रखी हुई थी। उसके बाद वस्तु से एक किरण रेखा चली, प्रकाश की किरण चली और वो अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर चली गई। उसके बाद ऐसे ही प्रकाशित केंद्र से होकर गई और यहाँ पे आभासी रूप से ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है कैसा बना हुआ है, इसमें सीधा छोटा बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप किरण आ रहे किसका खींच लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो किस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, प्रकाश किरण आरेख खींच कर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको आपको समझना है कि आपसे बस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, बाकी ये जो 5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब दे रखा है, फोकस दूरी दे देगा, इसी में आपको दूरी दे रखी है कितनी दूरी पर रखा जाता है। तो अभी तक क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कि आपको एक तो फोकस दूरी दे रहा है, फिर दूरी
दे रहा है प्रतिबिंब की, और आपसे क्या पूछ रहा है, बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी। तो वो कहीं पे क्या दे देगा, प्रतिबिंब की स्थिति दे देगा कहाँ पे बन रहा है, और आपसे पूछ लेगा कि प्रतिबिंब कहाँ रखा, मतलब जो आपका वस्तु है उसको कहाँ पे रखा जाए। ऐसे ही फोकस दूरी ना दे के आपको दोनों चीज़ दे देगा, यू और वी दे देगा, बाकी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके से कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, पर आपको बस इतना से याद रखना है कि वो आपसे ट्रिक करके पूछेगा। जैसे यहाँ पे अभिसारी लेंस है, तो आप कई बच्चों को नहीं पता कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस, फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, उत्तल का लगाना है उत्तल वाला, ठीक है, यू और वी को ध्यान रखना पड़ता है ना, किस में प्लस होगा किस में माइनस। तो अभिसारी लेंस जो है वो क्या होता है, वो हमारा उत्तल लेंस होता है। बाकी सवाल तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और ये 5 सेंटीमीटर लंबा बीम है तो एच बराबर ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये अभिसारी लेंस है, यू बराबर तो माइनस के 25 सेंटीमीटर ही आएगा। अब वी निकालना है, तो 1/f बराबर 1/u, सॉरी 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब ये हमें निकालना क्या है, v, तो ये इसके पास चला जाएगा, तो 1/f प्लस के हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। अब आगे क्या करेंगे, इसमें f की वैल्यू रखी 10 प्लस माइनस के 25 बराबर v। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 10 और 25 का, वो कितना आया 50, ठीक है, 10 पंजे 50, ये 5 आ गया, 25 दूनी 50, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50 यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर 1/b हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3/50 बराबर हो जाएगा 1/b। तो अगर हम v की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो इसे बस उल्टा कर देंगे, आप इसे उल्टा कर दो, v बराबर कितना हुआ 50/3, बराबर में कितना आ जाएगा, जब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 10 बचा, 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 एकम 3 और फिर 2 बचा, 3 छंग 18.3 छंग 18, और फिर 6 7 लिख देंगे, और ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी, ये प्लस में आ रहा है। अभी पूछा था इन्होंने क्या कि इसकी स्थिति बताइए, स्थिति बता दी, साइज बताने के लिए आपको क्या निकालना है, फिर से एम निकालना है। तो मैंने ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिए। आखिरी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, एम बराबर क्या होगा, v/u हो जाएगा, और बराबर में h/h हो जाएगा, ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बार बार। तो v बराबर, ये v की वैल्यू रख लो, ठीक है, इसको v की वैल्यू को रखना चाहिए आप, ये वाली रख लो, तो 50/3, ठीक है, फिर u, u की वैल्यू थी माइनस के 25, तो गुना में इसके पास ये आ जाएगी माइनस के 25, ठीक है, बराबर में h/, और h कितना है 5, ठीक है, तो 5 तो यहाँ जाएगा, 50 × 5/3 × -25, ठीक है। तो अब बराबर में बचता है h/, अब क्या करेंगे कि 25 × 50 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और 10/3 हो गया, तो 10/-3 यहाँ पे लगा देंगे, और h/ आ जाएगा। तो h/ की जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, h/ बराबर 3 − 3.33 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन दे, ये आवर्धन होता है, इसमें ये आपसे वस्तु की लंबाई पूछता है, वस्तु की लंबाई दे देता है, और प्रतिबिंब की लंबाई पूछता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वो आपके होंगे विद्युत वाले चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर हमारा इसमें बैठता है 4था चैप्टर या 3रा चैप्टर, उन दोनों के जो क्वेश्चन होंगे वो अब मैं कराता हूँ। इस वाले चैप्टर के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो देखो बस क्या है कि आपसे किस तरीके से ट्रिक करके ये पूछेगा कि अवतल लेंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, किरण आरेख खींच कर बताइए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी, है ना, ऐसे ही आप इसमें क्या कर लो कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब इसमें ट्रिक ये है कि अवतल लेंस जो कि मैंने आपको कराई दिया है क्वेश्चन, अवतल लेंस जो कितनी दूरी पर बना रहा है प्रतिबिंब को, -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। अब अवतल लेंस जो होता है -2 बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बाई ओर ही बनता है, ठीक है, इसलिए जो इसमें 10 सेंटीमीटर है वो होगा माइनस का, ये ध्यान रखना है।